और खबर फतेहाबाद से, जहां आशा वर्करों की हड़ताल जारी है। आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल कर रही हैं और 21 अगस्त तक हड़ताल जारी रखने का आशा वर्कर्स ने ऐलान किया है। 7 अगस्त से हड़ताल पर लगातार आशा वर्कर्स बैठी हुई हैं, सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना दे रही हैं। वहीं से पहले 19 अगस्त को शहर में प्रदर्शन आशा वर्कर्स के द्वारा किया जाएगा। और इससे पहले, क्योंकि हम ये भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इससे पहले भी लगातार आशा वर्कर्स की तरफ से अपनी मांगों को लेकर के, चाहे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हो, उनके घर के बाहर चाहे धरना देने की बात हो, प्रदर्शन करने की बात हो, वो हमने आप तक तस्वीरें पहुंचाई थी। और आशा वर्कर्स लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रदर्शन कर सरकार तक मांगों को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें कई ऐसी मांगे हैं जो कि वो लगातार रख रही हैं। हालांकि अभी तक बातचीत का स्तर आगे बढ़ नहीं पाया है, लेकिन आशा वर्करों की यह हड़ताल जारी है और आगे आने वाले समय में, क्योंकि 21 अगस्त तक ये हड़ताल जारी रखने का आशा वर्कर्स की तरफ से ऐलान किया गया है। अजय मेहता हमारे संवाददाता फतेहाबाद से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अभी तक जानकारी है? आशा वर्कर्स लगातार अभी भी प्रदर्शन कर रही हैं, अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या उनका कहना है, आगे की रणनीति क्या है? लगातार हड़ताल से चली जा रही है। आज जो है लगातार 12वां दिन है इनका हड़ताल का, और आज इन्होंने आगे 4 दिन के लिए हड़ताल और बढ़ा दी है। 21 अगस्त तक के लिए हड़ताल बढ़ाई गई है। साथ में ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, जो इनकी बुकिंग मांगे हैं उनको जब तक पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये जो है अपने आंदोलन पर रहेंगे। आपने ये भी कहा है कि अगर सरकार का रवैया, प्रशासन का रवैया इनके प्रति सकारात्मक नहीं होता है तो आंदोलन को कर सकते हैं जी। तो क्या क्या अभी तक मुख्य मांगे हैं? हालांकि इससे पहले भी आशा वर्कर्स की तरफ से अपनी मांगों को साफ किया गया था, लेकिन आप एक बार फिर से आप दर्शकों को भी बताएं कि आशा वर्कर्स की मांगे क्या हैं। तो ये तो मुख्य तौर पर जो इनका पिछले वर्ष 21 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जो कि इनकी मांगों को लेकर के था, वो उसको पूरा लागू करने की बात कर रही है। साथ ही जो कोरोना संकट के चलते, ये कोरोना के अंदर जिस प्रकार बीमारी का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो इनकी ड्यूटी लिखी है कोरोना के अंदर जोखिम भत्ता की बात कर रही है। साथ ही है जो इनका नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से कार्यक्रम चल रहा है, जो आपका स्थायी रूप से इनको नियुक्तियां दी गई हैं। इनका कहना है कि जब ये प्रोग्राम स्थायी चल रहे हैं तो इनकी नियुक्तियां भी स्थायी थी। तो इन ये तमाम मांगे हैं जो इनको लेकर के ये धरने पर बैठी हुई है। लेकिन अजय, क्या अभी बातचीत का स्तर आगे बढ़ पाया है किसी अधिकारी से या आप सरकार के किसी मंत्री से या किसी नेता से, जनप्रतिनिधि से कोई संपर्क हो पाया है जो यह आश्वासन दे रहे हों कि सरकार तक वो बात पहुंचाएंगे या इस बारे में विचार किया जाएगा? आज देखिए, अभी तक इस मामले के अंदर शासन और प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि इनकी तरफ से जो एक मेमोरेंडम है वो प्रशासनिक अधिकारियों के मार्फत सरकार तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग, चाहे वो बने हम राजनीति की बात करें, सरकारी अधिकारी की बात करें, इनसे बातचीत करने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया। और अपने ये जो है धरना जो है सीएमओ कार्यालय के बाहर लगातार जारी है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये इस बीच जो जानकारी ये कि 7 अगस्त से आशा वर्कर्स जो कि हड़ताल पर बैठी हुई हैं, आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके से आशा वर्कर्स हड़ताल पर रहेंगी और लगातार इससे पहले भी प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया था। 19 अगस्त को शहर में एक बार फिर से प्रदर्शन करने की तैयारी है आशा वर्कर्स की, और अभी तक हालांकि बातचीत का स्तर आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन जानकारी ये भी है कि अधिकारियों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की अलग अलग समय में कोशिश जो की गई है वो उनको आगे बढ़ाया जाएगा।